चलिए देखिए, आग के प्रकार और आग बुझाने के साधन में पहली आग हमारी लकड़ी की आग है। इसमें वुड पेपर क्लॉथ ईटीसी है ना, सॉलिड मटेरियल, वुड पेपर क्लॉथ है ना, और सॉलिड मटेरियल से आग हमारी लगती है। ठीक है, लकड़ी से लगेगी, कपड़े से लगेगी, पेपर से लगेगी, यानी लकड़ी का जो आग आइटम है उन सब से आग लगेगी। ठीक है, इसको बुझाने के लिए हम नॉर्मली पानी का यूज कर सकते हैं। पानी के बाद हम मिट्टी यूज कर सकते हैं, मिट्टी के बाद में रेत का भी यूज करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि वर्कशॉप में पानी की भरी हुई बाल्टी रखी होती है, रेत की भरी हुई बाल्टी रखी होती है ना, मिट्टी की भरी हुई बाल्टी रखी हुई होती है। वो इसीलिए रखी हुई होती है कि यदि आग लगती है तो उससे हम बुझा सकें। ठीक है, उससे आग को बुझा सकें। और वहाँ पर क्या होता है कि एक्सटिंग्यूज़र, फायर एक्सटिंग्यूज़र भी टंगे हुए रहते हैं। ठीक है, फायर एक्सटिंग्यूज़र भी टंगे हुए रहते हैं, इसलिए कि जब आग लगे तो उस प्रकार की आग को बुझाया जा सके। ठीक है, अब लकड़ी की आग है तो इसको बुझाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? इसको बुझाने के लिए हम करेंगे सोडा एसिड एक्सटिंग्यूज़र। ठीक है, लकड़ी की आग को बुझाने के लिए क्या यूज करेंगे? सोडा एसिड और एक्सटिंग्यूज़र। ठीक है, सोडा, अब लकड़ी की आग को हमने किस क्लास की फायर का नाम दिया है? ठीक है, इस लकड़ी की जो आग है इसको हम बोलेंगे क्लास ए फायर। ठीक है, लकड़ी की आग को हम क्लास ए फायर बोलेंगे। अब हम बात करते हैं तेल की आग की। ठीक है, तेलीय आग की, तो तेल की जो आग है वो किस चीज़ से लगती है? ठीक है, तो वो लगेगी आपकी, तेल की आग लगेगी, इसको इसको क्या कहते हैं? तेलीय आग भी बोलते हैं। तेल से जली, तेलीय पदार्थों से जो आग लगती है उसको हम, ठीक है, उसको तेल की आग बोलेंगे। ठीक है, तेलीय पदार्थों से जो आग लगती उसको तेलीय आग कहते हैं। ठीक है, अब फ्लेमेबल लिक्विड यानी ज्वलनशील लिक्विड और लिक्विड फ्लेमेबल सॉलिड। ठीक है, यानी ठोस, ज्वलनशील और फ्लेमेबल लिक्विड, तरलीय पदार्थ। ठीक है, तो इन सभी से जो है आग लगती है। ठीक है, तेल की आग, इसको बुझाने के लिए हम वाटर का यूज कभी नहीं करते हैं। ठीक है, पानी का यूज नहीं करना चाहिए, डू नॉट यूज्ड वाटर। ठीक है ना, वाटर शुड बी नेवर बी यूज्ड ऑन बर्निंग लिक्विड्स। क्यों? क्योंकि आग, पानी क्या करेगा ना, पानी आग को और फैला देगा। अगर पानी ने आग फैलाई तो क्या होगा? आग फैलेगी और आग बढ़ के खतरनाक रूप ले लेगी, और दुर्घटना जो छोटी है वो बहुत बड़ी बड़ा रूप ले लेगी और बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए हमें तेल की जो आग लगी है, ऑयल जो फायर है, ठीक है, तेल की जो आग है, ऑयल फायर है, ठीक है, इसमें हमें क्या सावधानी रखना है? पानी का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, पानी का क्या यूज़ नहीं करना है? इसमें हम पानी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्या सावधानी रखेंगे? वाटर शुड नेवर नेवर बी यूज। ऑन बर्निंग लिक्विड। ठीक है, पानी का यूज क्यों नहीं करना है? आप समझ गए। तो जब पानी का यूज नहीं करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? हम फॉर्म फायर, हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? तो हम ड्राई पाउडर यूज कर सकते हैं है ना, या फिर फॉर्म फायर एक्सटिंग्यूजर भी यूज कर सकते हैं। फॉर्म फायर एक्सटिंग्यूजर,
ठीक है। तेल की आग को बुझाने के लिए क्या यूज करते हैं हम? फॉर्म फायर एक्सटिंग्यूजर यूज करते हैं, और इस आग को, तेल की आग को क्लास बी फायर बोला गया है। यदि आपसे पूछ ले क्लास बी की फायर को बुझाने के लिए क्या यूज करेंगे, तो आप सीधा सीधा बोले ना फॉर्म फायर एक्सटिंग्यूजर करेंगे, वाटर का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्लास बी की आग को ही तेल की आग कहा गया है और क्लास ए की आग को लकड़ी की आग बोला गया है। लकड़ी की आग बुझाने के लिए सोडा एसिड एक्सटिंग्यूजर, तेल की आग को बुझाने के लिए फॉर्म फायर एक्सटिंग्यूजर। ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद कौन सी आग हमारी आती है? ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो क्लास सी फायर, ठीक है, यानी गैस की आग। ठीक है, गैसीय आग। ठीक, अब गैसीय आग हमारी जलेगी किन किन चीजों से? सबसे पहले गैस की आग गैस एंड लिक्विड गैस से जलेगी। किन किन चीजों से जलेगी? गैस एंड लिक्विड गैस। ठीक है, लिक्विफाइड गैस। ठीक है, इन चीजों से जलेगी। और इसको बुझाने के लिए क्या यूज करेंगे हम? इसको बुझाने के लिए यूज करेंगे हम ड्राई पाउडर का। ठीक है, ड्राई पाउडर का यूज करेंगे गैस की आग को बुझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग जुड़े हैं चैनल से, आप लाइक जरूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर दें। और यदि आप असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बेझिझक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर आपको असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी और है ना टेक्नीशियन की तैयारी आईटीआई से हम करवाने वाले हैं और करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ड्राई पाउडर का यूज करेंगे गैस की आग को बुझाने के लिए, और इसको बोला गया है क्लास सी फायर। कौन सी क्लास बोला गया है? क्लास सी फायर। तो क्वेश्चन बन के आ जाता है क्लास सी फायर। क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं आपके? ठीक, क्वेश्चन भी एक बार मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि स्तंभों का मिलान करें। ठीक है, आग के प्रकार और ईंधन। ठीक है, आग के प्रकार और ईंधन है। यहाँ पर वर्ग ए यानी वर्ग बी यानी तेल की आग है ना, वर्ग सी यानी गैस की आग, वर्ग डी यानी आपकी बिजली की आग, और उनसे और वो आग जो जलती हैं उनके नाम दिए हैं कि इन इन चीज़ों से ये आगें लगती हैं, आग लगती हैं। जैसे पहली आग दी हुई है क्लास ए फायर। क्लास ए फायर हमारी लकड़ी से लगती है, तो इसको हम दो नंबर से मिला देंगे। ठीक है, इसको किस चीज़ से मिला देंगे? दो नंबर से मिला देंगे, यानी यहाँ पर ए का हो जाएगा दो। ठीक, अब दूसरा है बी, क्लास बी फायर। ये कौन सी है? तेल की आग है। ठीक है, तो ये ज्वलनशील द्रव, फ्लेमेबल लिक्विड्स। ठीक है, तो तेल से मिला देंगे, यानी इसको चार से, बी को चार से मिला देंगे। ठीक है, क्लास सी यानी आपकी गैस की आग, तो यहाँ पर गैस एंड लिक्विफिलिड गैस यानी द्रवीकृत गैस इससे है, तो इसको हम यहाँ मिला देंगे, तो आपका सी का हो जाएगा एक से मिल जाएगा। अब डी यानी बिजली की आग, बिजली की आग लगेगी किससे? यानी बिजली की आग या फिर मेटल की आग है ना, बिजली या मेटल, तो बिजली क्लास डी को बिजली या मेटल की आग भी बोलते हैं, तो इसको तीन नंबर से मिला देंगे, तो डी का हो जाएगा तीन। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके किस तरीके से जनरेट होंगे? इसी तरीके से जनरेट होंगे कि है ना, देखो
अब यहां पर देखो, आग को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया कि वर्ग डी में खालिस्तान से लगी आग होती है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी यदि हम, है ना, क्लास डी में, क्लास डी में आपकी लकड़ी विद्युत की आग है, बिजली, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो अभी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो हम अगर डिटेल में अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो हम क्वेश्चन पेपर कैसा भी बन जाए, कहीं से भी वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लें, है ना, लेकिन हम उसको बताने में सक्षम रहेंगे। इसलिए हमें पढ़ना है बिल्कुल डिटेल में, ठीक। अब यहाँ पर गैस की आग हो गई, अब हम आ जाते हैं बिजली की आग में, ठीक है। बिजली की आग बहुत ही महत्वपूर्ण आग है, ठीक है, बिजली की आग, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिजली की आग से। तो देखिए, बिजली की आग, या फिर इसको मेटल की आग भी बोल सकते हैं हम लोग, कभी कभी ये मेटल में भी पूछ लेता है, मेटल की आग, ठीक है। अब इससे लगती कैसे है ये आग, ये देखिए, देखो बिजली की आग को हम सबसे पहली बात करें तो क्लास डी फायर बोलते हैं, क्लास डी फायर, क्लास सी गैस को, क्लास डी बिजली की आग को, मेटल की आग को बोलते हैं। ये हमारी लगती है बिजली से, बिजली के, यानी फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, है ना, उन चीज़ों से ये आग लगती है, जैसे लूज कनेक्शन हो गया बिजली का, ठीक है, तारों का, और ज़्यादा वर्क लोड दे दिया, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया, इन सभी चीज़ों से बिजली की आग लगती हैं, ठीक है। तो इसको, बिजली की आग को बुझाने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। बिजली की आग को बुझाने के लिए हम यूज करेंगे सीटीसी का। तो सबसे पहले जो नया वर्ड आपके सामने आ रहा है ना, सीटीसी, तो आपको जानने की इच्छा होगी कि ये क्या चीज़ है। सीटीसी मतलब होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म। तो सीटीसी क्या है, एक एक्सटिंग यूजर है, पहली चीज़ सीटीसी क्या है, सीटीसी एक एक्सटिंग यूजर है, सीटीसी क्या है, एक एक्सटिंग यूजर है। अब पूछ लेता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, क्या फुल फॉर्म हो गया इसका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, सीटीसी का, ठीक है, ये फुल फॉर्म इसका क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है हॉलन एक्सटिंग्विशर, हॉलन एक्सटिंग, हॉलन एक्सटिंग यूजर, ठीक है। और हॉलन एक्सटिंग यूजर को क्या कहते हैं, सीटीसी फायर एक्सटिंग यूजर भी कहते हैं, ठीक है। तो बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सीटीसी फायर एक्सटिंग यूजर, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसके अंदर कार्बन टेट्रा क्लोराइड भरा हुआ रहता है, ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड भरा हुआ रहता है, ठीक है, और इसको बिजली की आग बुझाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक। हॉलन एक्सटिंग यूजर भी बोलते हैं इसको, ब्रोमो क्लोराइड फ्लूरो मीथेन गैस भी बोलते हैं इसको, बीसीएफ भी बोलते हैं ना, ब्रोमो क्लोराइड फ्लूरो मीथेन गैस, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो आग है, आग वाला जो चैप, आग के जो प्रकार हैं आपके, चार प्रकार, वो क्लियर हो जाते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं आग के जो चार प्रकार हैं, ठीक है। लकड़ी की आग यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ी, लकड़ी, पेपर, क्लॉथ और सॉलिड मटेरियल से लगेगी, इसको बुझाने के लिए हम
सॉलिड एक्सटिंग्यूजर का यूज़ करेंगे, वो सोडा एक्सटिंग्यूजर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और दूसरी हमारी क्लास बी फायर, इसको तेल की आग बोलते हैं, ये इस पे पानी का यूज़ नहीं करना है क्योंकि पानी इसको बहा के ले जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी से तेल क्या होता है, हल्का होता है, ठीक है। तेल तेल पानी के ऊपर में तैर जाएगा और तेल में लगेगी आग, तो क्या हो जाएगा, तेल को बहा के पानी कहीं और ले जाएगा और वहाँ पर आग लग जाएगी। इसलिए हमें तेल का यूज़ नहीं करना है, सॉरी तेल की आग में पानी का यूज़ नहीं करना है। मिट्टी का यूज आप कर सकते हो, रेत का यूज आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, दूसरा हमने गैस की आग आपको पढ़ाई है ना, गैस एंड लिक्विड फ्लेट गैस से लगती है, ड्राई पाउडर का यूज़ इसको बुझाने के लिए करते हैं। चौथा हमने बिजली की आग बताई आपको कि बिजली की आग किन किन चीज़ों से लगती है, मेटल है ना, बिजली या फिर मेटल की आग। तो CTC एक्सटिंग्यूजर कार्बन टेट्रा क्लोराइड, हॉलन एक्सटिंग्यूजर, CTC का फुल फॉर्म कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, ठीक है। CTC का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। अब देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया है। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, ITIPUR यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो आपको बहुत सारे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी आप ITI स्टूडेंट करते हैं उन सभी की तैयारी कराता है, ठीक है। चाहे वह आपका एग्ज़ाम ऑर्नेस फैक्ट्री बोर्ड का हो, या DRDO का हो, या फिर बार का हो, सेल का हो, ठीक है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो या फिर हम लाइव आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।